हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। फॉर्च्यून सरसों के तेल में बना रही हूँ। ध्यान से देखिएगा एक एक रेसिपी। सबसे पहले तेल डाला मैंने, थोड़ा गर्म होने दिया। मैंने डाला था लगभग 6 से 7 टेबलस्पून तेल। और जो है मैं यहाँ पे 3 से 4 लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, उस हिसाब से मैं खाना आपको हर क्वांटिटी डालती हूँ। ज़ीरा डाला, ज़ीरा क्रैकल होने दिया। ज़ीरे के साथ आप और भी खड़े गर्म मसाले डाल सकते हैं थोड़े थोड़े। उसके बाद एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक चॉप किया हुआ, 4 से 5 हरी मिर्च छोटा छोटा कटा हुआ। इनको जो है 2 से 3 मिनट हमें भून लेना है बहुत अच्छे से। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा अभी गर्मी है तो कम तेल मसाले का खाना बना रही हूँ। इसी के साथ में मैंने यहाँ पे डाला है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ये अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको भी अच्छे से हम 2-3 मिनट भून लेंगे, जब तक हमारा जो है अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर ना हो जाए। देख सकते हैं प्याज हमारे कितने बढ़िया से भून रहे हैं। यहाँ पे डाला है मैंने एक बड़े साइज़ का कटा हुआ टमाटर, इसको भी मैंने रफली चॉप कर लिया था। इसके साथ में मैं जो है 2-3 मिनट और भूनूंगी। और जो है साथ ही में ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से हमारे सारी चीज़ें भून रही हैं। तो अच्छे से हर चीज़ का परफेक्ट जो है बुनाई हो जाना चाहिए। और कोई भी चीज़ मैश ही नहीं करनी है आपको, एकदम मैश ही नहीं करनी, हल्के से चंक्स रहने चाहिए। स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया, उसके साथ में थोड़ा सा डाला मैंने हल्दी पाउडर, और जो है साथ ही में डाला मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। कोई भी मसाला मेरा आधा या 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला था, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक डाला था। सारे मसाले डालते ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लगभग 3 से 4 टेबलस्पून। अच्छे से मसाला हमारा भून जाए। और इसके साथ में भी हम जो है 2-3 मिनट भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छे से भून लेना है, बस एकदम मैश ही नहीं करना है, इतना ध्यान रहे। इसको अच्छे से जो है हम 2-3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे काले मसूर जो होता है ना, साबुत मसूर, वो ले रही हूँ मैं, 1 कप जितना है यहाँ पे इसको मैंने लिया है। आप इसको इस तरह से पानी से धो के 1/2 या 1 घंटे के लिए भिगो के रख दें तो और अच्छी बनेगी। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं इंस्टेंट बना रही हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने 2-3 बार वॉश किया है इस दाल को, बहुत बढ़िया ये देख सकते हैं आप। इसके बाद में इसका पानी मैंने निकाल दिया सारा का सारा। अच्छे से 2-3 बार, कम से कम आप कोई भी दाल बनाएं, चावल बनाएं, 2-3 बार अच्छे से धोएं। इसके बाद इस दाल को बिना बिल्कुल भी भिगोए, मेरे पास टाइम नहीं था और कोई प्लानिंग नहीं थी, प्री प्लानिंग कि मैं भिगो के रख देती, इंस्टेंटली ये बना है। वैसे ज़रूर मैं इसको 1/2 से 1 घंटे के लिए भिगो के रख देती हूँ, चना दाल या ये वाली सही रहता है। अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर देते हैं हम दाल को, और 2 मिनट ऐसे ही भुनने देते हैं। अभी पानी ऐड नहीं करेंगे, इसके बाद पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग हमारे 3 से 4-5 लोगों के लिए आराम से इतनी दाल हो जाएगी। मैंने कम से कम इसमें 2.5 ग्लास पानी डाला है, क्योंकि हमने भिगो के नहीं रखी तो इसको गलने में टाइम लगेगा। नॉर्मली आप अगर भिगो के रखते हैं तो आप 5 से 6 सीटियों में आराम से इसको बना सकते हैं, लेकिन मैंने भिगो के नहीं रखी, मैं 8 से 9 सीटियाँ लगाऊँगी। अपने अपने कुकर पर डिपेंड करता है। ये देखिए सीटी हो चुकी है, कुकर मैंने खोल चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया से दाल का हमारा टेक्स्चर देखिए। अभी इसको मैं आपको चला के भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी बढ़िया से हमारे जो मैंने सब्जियाँ चंकी चंकी रखी थी वो दिख भी रही हैं। अगर आपको चंकी पसंद नहीं है तो आप ज़्यादा मैश कर लीजिए या फिर पीस के डालिए, मुझे ऐसा बहुत पसंद है। इंस्टेंटली ये बन जाती है झटपट और बहुत टेस्टी लगती है। दाल मखनी या मसाला दाल जैसी बिल्कुल बहुत टेस्टी लगती है, मुझे ये दाल बहुत पसंद है, खासकर चावलों के साथ में। आप लोग भी ज़रूर इस तरह से बना के देखिए। गर्मी चल रही है, खाना मज़ेदार खाइए लेकिन तेल मसाला कम डालिए कुछ दिनों तक। तो यहाँ पे पेश है हमारी बहुत टेस्टी काले मसूर की दाल, बना के ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अपने साथियों के साथ में शेयर ज़रूर करें, उन्हें भी ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।